नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। लोकसभा और राज्यसभा ने जैसे ही कश्मीर से 370 हटाया, भारत में खुशी की लहर दौड़ गई और लोग खुशी मनाने लगे। लेकिन पाकिस्तान में मातम छा गया और इसको लेकर पाकिस्तानी लोग हाय तौबा मचाने लगे। इसी हाय तौबा के बीच बॉलीवुड की फिल्मों में काम कर चुकी नमक हराम पाकिस्तानी अभिनेत्री वीना मलिक ने कश्मीर विवाद पर नोबेल विजेता मलाला यूसुफजई से ट्विटर पर भिड़ंत कर ली और उन्हें अनफॉलो कर दिया और मलाला को खरी खोटी सुनाई। वीना का मानना है कि मलाला यूसुफजई ने कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ सही रुख नहीं रखा है। पाक मीडिया की माने तो वीना मलिक इसी बात पर मलाला से नाराज हैं कि मानवाधिकारों के लिए आवाज उठाने वाली मलाला भारत के कब्जे वाले कश्मीर के विशेष दर्जे में बदलाव पर चुप क्यों है। वीना मलिक ने मलाला को संबोधित करते हुए ट्वीट किया कि मुझे हैरत हो रही है कि अगर तुम कश्मीर के मसले से परिचित हो तो तुमने अभी तक इस पर भारत को क्यों नहीं कुछ कहा, मैं तुम्हें अनफॉलो कर रही हूं। इसके बाद मलाला यूसुफजई ने ट्वीट किया, लेकिन उन्होंने शांति की बात करते हुए भारत या पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और कश्मीरियों को अपने मुल्क दक्षिण एशिया का निवासी बताया। फिर क्या, बुरी तरह मलाला के पीछे पड़ी वीना मलिक जो उन्हें अनफॉलो कर चुकी थी, फिर मलाला के ट्वीट की जानकारी मिलने पर फिर ट्वीट किया। मलाला द्वारा दक्षिण एशिया को देश कहे जाने की खिल्ली उड़ाई और ट्विटर पर लिखा कि अच्छा, तो मलाला का संबंध एक ऐसे मुल्क से है जो अभी अभी अस्तित्व में आया है। लेकिन मलाला फिर शांत रही और कुछ भी नहीं कहा। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि पाकिस्तान का हर बच्चा कश्मीर को लेकर बेचैन है, झूठी और मक्कारी भरी सिंपथी दिखा रहा है। पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है, लेकिन भारत से लड़ाई करेंगे। बच्चों को दूध नसीब नहीं हो रहा, लेकिन पाक का मंत्री कह रहा है कि सभी पाकिस्तान खून के कतरे तक लड़ेंगे। शिक्षा नहीं, लेकिन भारत को अस्थिर करने के लिए जिहाद करेंगे और आतंकी भेजेंगे। और बेशर्म वीना मलिक को देखिए, कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज वीना मलिक भारतीय सीरियल और भारतीय प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी और भारत का प्यार पा रही थी और पैसा भी पाया। और अब ये वीना मलिक कह रही हैं कि भारत के खिलाफ हर पाकिस्तानी को खड़ा होना चाहिए और इसीलिए मलाला को भी खरी कोठी सुनाई। अपनी नीति की वजह से पाकिस्तान खुद ही आतंक के जाल में फंसा है और उन्हीं आतंकियों ने मलाला को मौत के घाट उतारने की कोशिश की थी और अब मलाला भी भारत को सलाह दे रही है। कमाल है भाई, रहती है लंदन में और बात कर रही है पाकिस्तान की। अगर आपके हालात इतने ही अच्छे हैं तो पाकिस्तान जाकर देखो, आतंकी आपका इंतजार कर रहे हैं कब्रिस्तान में पहुंचाने के लिए। यहां आपको कुछ फैक्ट्स बता दें कि मलाला यूसुफजई पाकिस्तान से हैं और 2012 में उन्हें स्वात में स्कूल से लौटते वक्त आतंकियों ने गोली मारी थी। मलाला लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज उठाती रही हैं और इसी वजह से विश्व में पहचान मिली है। कुल मिलाकर कहना सिर्फ ये है कि आपके घर भुखमरी है, अशिक्षा है, आतंकवाद है, दुनिया आप लोगों को लात मारती है, दुनिया की कोई भी कंपनी पाकिस्तान जाने से डरती है और आप लोग हैं कि सुधरते ही नहीं और भारत को सलाह देते हैं जमहूरियत की, लोकतंत्र की। हद है भाई।